तो आज के क्लास के अंदर मैं पहले ही वो चीज़ अनाउंस कर दूं, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट भी आए थे मेरे पर व्हाट्सअप। जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ते हैं उन्होंने भी मुझे डाउट भेजा कि सर ये कैसे क्वेश्चन करेंगे। जो एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास देख रहे हैं, उसमें से भी कुछ बच्चों ने डाउट भेजा था मुझे। डाउट ये था कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता था CDT, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स। कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स होता क्या था, जब कभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल मान लेते हैं 1 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है, कंपनी ने 10% का डिविडेंड अनाउंस किया, तो बताओ कितना होगा डिविडेंड, कितना देना है? 10,000 एक को देना है या सभी शेयर होल्डर में बट जाएगा? ये सभी शेयर होल्डर में बट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब मान लेते हैं आपके पास एक शेयर है, तो आपको 10% ही मिलेगा, यानी आपके पास आया 1,000 रुपये। 1,000 रुपये आपको डिविडेंड मिला, क्या आप टैक्स दोगे उसके ऊपर? जवाब है सर नहीं देंगे टैक्स, क्योंकि हमारी इनकम जब तक 2.5 लाख रुपये नहीं होगी हम टैक्स नहीं देते, तो आप टैक्स नहीं दोगे। तो जो जब फर्स्ट टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, दो बार जब मनमोहन सिंह फर्स्ट टाइम जब पीएम बने थे, तो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर हमारा हुआ करता था 2000, मैं 8 की बात कर रहा हूँ, 8 में, 2008 में हमारा कौन हुआ करता था? पी चिदम्बरम, जो अभी जेल में है, ठीक है? पी चिदम्बरम बहुत इंटेलिजेंट इंसान था वो, और जितना कलेक्शन उसने उस टाइम पे टैक्स पे किया ना, उसने नहीं, बैंक में पैसे जमा करोगे तो टैक्स दोगे, निकालोगे तो टैक्स दोगे, डिविडेंड देंगे तब टैक्स देंगे। उसने दिमाग क्या लगाया, भाई किसी को 1,000 रुपये दिया जा रहा है तो टैक्स तो देगा नहीं, उसकी 2.5 लाख इनकम नहीं है, तो कंपनी को बोला भाई तू उसे 1,000 रुपये मत दे, तू उसे 900 दे, टैक्स हमारे पास दे, उसकी इनकम है चाहे नहीं है हमें नहीं मतलब, इसके ऊपर पहले तुझे 10% टैक्स काटना है, 10% यानी 100 रुपये टैक्स, 1,000 रुपये टैक्स काटना है, और तू अब 9,000 डिस्ट्रीब्यूट कर। तो इस टैक्स का एक नाम दे दिया कॉरपोरेट, क्योंकि जो कंपनी होती है ना वो कॉरपोरेट से भी माना जाता है। कॉरपोरेट का जो डिविडेंड यानी कंपनी का डिविडेंड टैक्स, जो कि अभी पिछले साल जो अभी के फाइनेंस मिनिस्टर है, पिछले से पिछले साल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। उन्होंने क्या कहा, जो CDT पहले लगा था वो खत्म हो गया, अब नहीं लगेगा CDT, यानी अब शेयर होल्डर को कितने मिलेंगे? पूरे 10,000। टैक्स की जिम्मेदारी पहले जैसे कर दिया। तो पुरानी बुकों में, 2 साल से पहले वाली बुकों के अंदर CDT का पॉइंट हो सकता है, आप देखोगे बुक में विदाउट CDT, विदाउट CDT, सर ये CDT क्या है, CDT क्यों बोल रहे हैं ये? तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, तो अब जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स वाला पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि वो अब लॉ एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। समझ गए बात आप? तो कहीं पे आपको CDT दिखता है तो इग्नोर इट। अगर आप 10 ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो CDT वाला पॉइंट ना करें, क्योंकि एग्जाम के लिए रेलेवेंट ही नहीं है। आपके पास ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक में भी CDT का पॉइंट दिख सकता है, तो उसको भी आप इग्नोर करें। तो मेरा सिंपल सा बताने का एक ही पर्पस था कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अब नहीं रहा, जिसे इस लॉ को हटा दिया गया है। तो सर इसके अलावा कुछ आया? कुछ नहीं आया, आपने सीधा विदाउट CDT करना है। और एक ये वाला टैक्स जो होता था ना CDT, बहुत बच्चों के लिए ना एक हेडेक टेंशन बन के रहता था, क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज होता था 14%, 10%, 2%, 3% को मिला के परसेंटेज निकालते थे। सही हुआ, हट गया। तो अब ब्लैंक फॉर्मेट बना लीजिए आप सब भी, एक क्वेश्चन आप सभी को मैंने भेजा है और उसी क्वेश्चन को करेंगे ब्लैंक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है? मैं भी एक ब्लैंक फॉर्मेट बनाता हूँ बैलेंस शीट का, थोड़ा कम विजुअल रहेगा लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ही बार हो जाए। पहले बैलेंस शीट का ब्लैंक फॉर्मेट थोड़ा कंजेस्टेड बना लेते हैं और आप सभी भी बना ले। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं पता क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेकिन मैं तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो बना ही लेता हूं पहले। नोट थोड़ा स्मॉल, सबसे पहला पॉइंट इक्विटी एंड लाइबिलिटी। देखो शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, क्यों यूज कर रहे हो सर शॉर्ट फॉर्म? मेरे पास जगह की कमी है इसलिए। आपके पास पेजेस है, आप कोशिश करना है कि आपने पूरा लिखना है। मैं विजुअल भी करा देता हूं, कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा।
चलिए ठीक है, पूरा वो बोर्ड कैप्चर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसके बाद इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर ए पार्ट आता है हमारा शेयर कैपिटल, आप भी अपना करते जाइए फटाफट। बी पार्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस, बाकी के दो पार्ट मैंने बोले थे यूज नहीं होंगे तो यूज नहीं होंगे, उसको लिखेंगे ही नहीं। कौन कौन से? शेयर वॉरेंट और शेयर मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। चलिए नंबर टू, नॉन करंट लाइबिलिटी, इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट यूज होगा, वो होगा आपका लॉन्ग टर्म, और कुछ यूज नहीं होगा, याद रखना आप। बस एक ही पॉइंट लिखा मैंने यहां जो यूज होना है आपके एग्जाम के पर्पस के लिए। थर्ड पॉइंट था हमारा करंट लाइबिलिटी। सर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या यूज होगा? सारी चीजें लगभग यूज हो जाती है। नंबर वन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अरे वन कैसे लिख दिया, ए आएगा ये तो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बी ट्रेड पेबल, और सी प्रोविजन अदर करंट लाइबिलिटी, डी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन डल गए आपके ए बी सी डी, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा एसेट्स का सेक्शन, पॉइंट नंबर टू एसेट। आप मुझे सभी बच्चे कमेंट में बताइए क्या आपको विजुअल है या नहीं है, फिर मैं उसके हिसाब से फिर हिसाब किताब बनाऊं। हरदीप सिंह आप बताइए विजुअल है या नहीं है। हरदीप आपके आई थिंक आज फर्स्ट क्लास है, बताइए हरदीप क्या डाउट है। शायद बाय मिस्टेक हो। यस विजुअल है, चलो बहुत अच्छी बात है, विजुअल है तो हम अच्छे से कर पाएंगे ये क्वेश्चन। नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपको। कोई भी कोई बच्चा, कुछ बच्चे क्या करते हैं लाइन क्या करते हैं, कोई नदी बना रहा होता है कोई नहर बना रहा होता है, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए स्केल से, पहले ये चीज ध्यान रखना। इसके अंदर पॉइंट नंबर वन नॉन करंट एसेट, इसके अंदर ए पार्ट आता है पीपीई, तो मैं पीपीई ही लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, और इसके अलावा इसके अंदर बी पार्ट भी यूज होता है सर इनटेंजिबल एसेट्स, और कुछ भी नहीं आएगा, वो जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये वो सब नहीं आता। आपका क्या आ गया यहां पे? इनटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी नहीं बोला जाता आपसे, बोला जाएगा तो बाद में एडजस्ट कर देंगे, हालांकि नहीं होता। मेन सारे पॉइंट देखो, मैंने बैलेंस शीट नहीं पढ़ा लेकिन मुझे टेंटेटिव इतने सालों से आइडिया है कि भाई ये चीजें मैक्सिमम होती है, बाकी चीजें तो नहीं होगी। चलिए फर्स्ट के बाद अब आ जाते हैं फटाफट से सेकेंड पे। सेकेंड में क्या क्या था जी? सेकेंड में था करंट एसेट, इसके अंदर इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। नहीं पहले क्या था? करंट इन्वेस्टमेंट, हो सकता है नहीं भी, मान के चलो ना के बराबर। बी पार्ट इन्वेंट्री हमेशा होगा, सी पार्ट हमेशा होगा, डी पार्ट हमेशा होगा, नोट नंबर कोई ना डाले अभी, मैं समझाऊंगा क्यों नहीं डालना नोट नंबर, बाद में समझेंगे इसको हम। डी के बाद और कुछ नहीं आता इसमें, अदर करंट एसेट्स आ सकता है तो मैं ई पार्ट डाल देता हूं बस। और भी देखा था ना शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, हमने लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, वो सब नहीं दिया जाता एग्जाम में, बहुत रेयर, अगर होगा तो हम बीच में एडजस्ट कर लेंगे, बहुत कम होता है।
ये हमने क्या बना लिया भाई, साफ साफ हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट, साथ के साथ हम बना लेते हैं किसका फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस का। थोड़ा एडजस्ट करके मैं बना रहा हूँ क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं ना हमें, और मैं नोट्स टू अकाउंट्स बनाता जाऊंगा और मिटाता भी जाऊंगा साथ के साथ, आपको नोट करने का मौका मिलेगा, चिंता नहीं करना आपने। नोट फर्स्ट रोमन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नंबर टू सर टू क्या आता है, अदर इनकम, नंबर थ्री क्या आता है सर टोटल, नंबर फोर क्या आता है सर एक्सपेंस, और इसके अंदर ए पार्ट आता है सर परचेज, बी पार्ट आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज, सी पार्ट आता है एम्प्लॉय बेनिफिट, ई बी कर रहा हूं मैं, एम्प्लॉय बेनिफिट को ई बी आप पूरा लिखिएगा, सी के बाद डी पार्ट आता है हमारा फाइनेंस कॉस्ट, ई पार्ट आएगा डेप्रिसिएशन, और एफ पार्ट आएगा अदर एक्सपेंस, और बाकी का पार्ट हम बाद में देखेंगे। लो जी पी एंडल बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये ध्यान से सुनना है और वही अप्लाई करना है। हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होना चाहिए जिसका सिर्फ एक ही अमाउंट है, एक सिंगल अमाउंट, उस वाले को तो हम डायरेक्ट यहां प्लॉट करेंगे, उसके लिए कोई नोट नहीं बनाएंगे। जिसके एक से ज्यादा अकाउंट है उसके लिए नोट बनाना है, ठीक है। अब सर सबसे पहले तो इसके एडजस्टमेंट पढ़ लेने, एडजस्टमेंट देख लेते हैं किस किस पे है। सर यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है, ठीक है, उसको हम ध्यान देंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ है, इसको भी ध्यान देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, इसको भी ध्यान देना है। बैड डेट्स डाउटफुल डेट्स भी है, इस पर भी ध्यान देना है। और साथ के साथ यहाँ पे क्या कहता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी है, इसको भी ध्यान देंगे। और इनकम टैक्स लास्ट का पार्ट है, तो ओवर टेंटेटिव पता चल गया हमारे दिमाग में, सर ये एडजस्टमेंट है, सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ लिया, ठीक है। अब नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स में इधर से बनाना चालू करता हूं। आप भी अपने रजिस्टर पे यही, अभी तो अभी रजिस्टर पे ये नोट नहीं करना, नोट्स टू अकाउंट्स सिर्फ बनाने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप सोचोगे ना कि सिस्टमेटिक कर लेंगे तो भूल जाओ। पहले नोट नंबर वन बनाएंगे फिर नोट नंबर टू बनाएंगे तो कभी नहीं होगा। एग्जामिनर कहता है ये सिस्टमेटिक होना चाहिए, नोट नंबर पहले वन बना दो फिर चार बना दो टू कहीं और बना दो चलेगा। एग्जामिनर ये नहीं कहता कि नोट आप क्या करो सीक्वेंस में बनाओ, नोट कहीं चलेगा। इसलिए मुझे जो जो जानकारी मिलेगी उसके हिसाब से मैं करता जाऊंगा, फटाफट करता जाऊंगा मैं ये बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, अभी पता चल जाएगा। देखो मैं कर रहा हूं ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना, अभी पता चल जाएगा। और जो बच्चा ये वाला क्वेश्चन कर लेगा, मान के चलो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, बस एडजस्टमेंट का थोड़ा फर्क आएगा और एक दो पॉइंट नए आ सकते हैं जिसमें आप थोड़ा परेशान हो जाओ कि सर इसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। मैंने एक पेज पर पूरा ये लाइन खींच लिया, ऐसे आप एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर पे एक पेज पे लाइन खींच लोगे, हमें नहीं मतलब कौन सा नोट है। पहला पॉइंट दे रखा है कैश इन हैंड, आप क्वेश्चन में देखोगे सबसे पहले बोलता है रजिस्टर्ड कैपिटल यानी ऑथराइज कैपिटल, इक्विटी शेयर दे रखा है, तो पहले हमें रजिस्टर्ड कैपिटल मिल गया, तो नोट नंबर वन फटाफट, इसमें इधर ध्यान ही नहीं देना, नोट नंबर वन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या आता है हमारा ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। विजुअल है या नहीं है, क्या डाउट आ गया पता नहीं, वॉइस क्लियर आ रही है ना आप सबको, किसी ने हैंड रेज किया था। अरे यार आप बोल रहे कौन सा क्वेश्चन नंबर है, सबको भेज दिया मैंने, बोल दिया क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग पता नहीं क्या खाते हो। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, ऑथराइज कैपिटल। देखो मैं ऑथराइज कैपिटल, बस मैं बोलता जा रहा हूं, अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं बोलता जा रहा हूं ऑथराइज कैपिटल, मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा, मैं बहुत एब्रिविएशन यूज करूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं
तो जो बच्चा नोटिंग करेगा वो समझ समझ के नोटिंग करते जाना है, ठीक है ना। ऑथराइज कैपिटल लिखा, यहाँ पे क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर नहीं होगा। एक बार फटाफट नजर मार लिया मैंने, प्रेफरेंस शेयर तो पूरे क्वेश्चन में दिखा नहीं, तो इक्विटी शेयर कितने ऑथराइज है क्वेश्चन में क्या कहता है पीछे देखा जाए, तो भाई 60 लाख रुपए का है या 6 करोड़ का है, 60 लाख रुपए का है, 100 रुपए का एक है, तो हमें क्या करना है, एट द रेट 100 ईच और 60 लाख रुपए, दैट्स इट, खत्म, पॉइंट। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे बच्चों को, इसलिए मैं इसे क्या कर देता हूँ इस टाइप से, ठीक है, 60 लाख जो मिलता जाएगा पॉइंट। नोट नंबर वन, हमेशा आपको 5 लाइन छोड़ के चलना, नोट नंबर वन में 4 से 5 लाइन, ठीक है। तो मेरे लिए 5 लाइन इतना ही होता है, मेरा नोट नंबर वन खत्म, क्लियर। आप बोलोगे सर हम एग्जाम में कैसे रेज करेंगे, ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है ना। आगे आते हैं, कैश इन हैंड, बताइए कैश इन हैंड कहां जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके लिए नोट बनाना चाहिए हमेशा। तो अब देखो मैंने नोट नंबर, देखो मैंने यहां पे क्या लिखा, नोट, नंबर नहीं लिखा, नंबर कब लिखेंगे हम बाद में, सिर्फ नोट लिख दिया, स्पेस छोड़ना है। यहां भी मैंने क्या लिखा, नोट, और लिख दिया मैंने कैश, क्या कॉल सिनेरियर है, अच्छा पहला कॉल सिनेरियर है, चलो कॉल सिनेरियर है तो कॉल सिनेरियर तो लेस करते हैं। पहले आएगा आपका इशूड कैपिटल, मेरे से गलती हो गई कि मैंने कुछ और समझ लिया, इशूड कैपिटल, अब यहां से लेस हो जाता है कॉल सिनेरियर। सर कॉल सिनेरियर कितने का है, अरे बहुत छोटा हो रहा है, कॉल्स कितने, 75, ठीक है। आगे बढ़ते जाते हैं, प्रीमिसेस क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स, पीपीई, तो नोट बनाएंगे हम पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपने पूरा लिखना है, लिखा हमने क्या, सबसे पहले क्या था बताओ, नाम क्या है, मशीनरी, प्रेमिसेस। सर प्रेमिसेस क्या होता है, प्रेमिसेस होता है बिल्डिंग वगैरह को ही प्रेमिसेस बोला जाता है। तो प्रेमिसेस है कितने का, हमेशा जिस एसेट्स पे एडजस्टमेंट होगा नोट के अंदर भी अंदर ही लिखना है, क्योंकि इसमें अगर डेप्रिसिएशन हुआ तो हम माइनस कर पाए, ठीक है ना। मैं बिल्कुल धीरे धीरे लेके चल रहा हूं आपको, ताकि आपको समझ आए, अगर कोई एडजस्टमेंट हुआ तो कहां लिखना है, नोट के अंदर लिखना है, ताकि हम क्या कर पाए इसमें माइनस। हम फटाफट पढ़ते जाएंगे, वेट नहीं करेंगे कि नोट नंबर टू हमें रिजर्व एंड सरप्लस बनाना है, नहीं, जो सामने दिखेगा उसके लिए हम ड्रॉ करते जाएंगे। अगला पॉइंट क्या है हमारा, प्लांट एंड मशीनरी, इसी में आएगा। तो एक दो लाइन छोड़ा यहां पे, डेप्रिसिएशन हुआ तो यूज करेंगे, और उसके बाद हमने क्या करा, प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 33 लाख, चलो फिर से लाइन छोड़ देंगे, अंदर क्यों लिखा, एडजस्टमेंट है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन में देखो, तो इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कब है, पेड कर दिया। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है हमारा, किसका पार्ट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड किसका पार्ट होगा हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। तो अगला नोट किसका बनाएं, और रिजर्व एंड सरप्लस का थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बढ़िया सा नोट बनेगा इसका, क्योंकि सबसे टफ वाला पॉइंट यही है, इसके ऊपर स्पेशली 7-7 नंबर के क्वेश्चन आ भी गए थे इस बार। तो रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस का क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारी बातें आती है, मैं प्रॉफिट प्रॉफिट को लेकर चलूंगा, एक तो ओल्ड वाला प्रॉफिट अगर दे रखा हो तो, एक न्यू वाला प्रॉफिट जो निकलेगा साफ सिंपल सिंपल वर्ड में, इसमें से माइनस होता है इंटरिम डिविडेंड, कहां से माइनस होगा, यहां से लेस इंटरिम डिविडेंड, कितने रुपए है, 375, यहां माइनस का सिंबल डाल दिया। डबल एंट्री अभी नहीं होगा क्योंकि यहीं पे जाना है सिर्फ, मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा, सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है। आगे चलते जाएंगे, क्या है हमारा, वेजेस किसका पार्ट है, एम्प्लॉय बेनिफिट का, तो एक नोट एम्प्लॉय बेनिफिट का भी होना चाहिए, अगर सैलरी हुआ तो बनाएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट का नोट, अदरवाइज हम क्या करेंगे सीधा ही लिख देंगे वहां पे। चेक करिए क्वेश्चन में क्या कहीं सैलरी है, बिल्कुल है, दो पॉइंट आ गया है, तो क्या करेंगे एक और नोट,
भाई हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्पेस देके, इसका भी थोड़ा बड़ा नोट बनता है। अब क्या बनाएंगे, नोट लिखा, और नोट लिखने के बाद क्या करना है, नोट लिखने के बाद क्या करना है बताइए। यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉय बेनिफिट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नोट नंबर बाद में लिखूंगा, अलग मार्कर से लिख दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। सबसे पहले क्या है, वेजेस। अब ध्यान रखना है, क्या पता आउटस्टैंडिंग वेजेस हो, क्या पता आउटस्टैंडिंग सैलरी हो। तो हमने एडजस्टमेंट में पहले ही देख लिया, कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस था नहीं, कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी था नहीं, तो बाहर लिख देंगे। कितने का वेजेस, 8 लाख 48,650। इसके बाद सैलरी, नहीं नहीं नहीं, सीक्वेंस से चलेंगे, कुछ छूट ना जाए। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहां आता है इन्वेंट्री में, तो एक इन्वेंट्री का नोट बनाएंगे। भाई सबको दिखे ना दिखे तो बताना, फिर कोई दूसरी तरकीब निकालेंगे, वैसे दिखना चाहिए। नोट लिखा, सिर्फ नंबर नहीं डालेंगे, इन्वेंट्री बताइए क्या होता है। इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग होता, ओपनिंग इन्वेंट्री और यहां माइनस होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग जब आएगा तब देखा जाएगा, पहले ओपनिंग तो बता दो। 7,50,000 दिख रहा है सबको बराबर, 7,50,000 दिख रहा है। चलिए आगे चलते जाओ, बढ़ते जाओ। इसके बाद क्या है, फर्नीचर फिक्सर, तो यहां जाएगा, इसके नीचे भी लाइन छोड़ना है। कितने रुपए, 72,000। इसके बाद डेटर, डेटर पे भी एडजस्टमेंट है प्रोविजन, तो नोट बनाना। ये बस दो लाइन का होता है, इसके लिए तीन ही लाइन छोड़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं होता इसमें। इसके लिए नोट बनेगा डेटर में, ट्रेड रिसीवेबल। बताइए डेटर कितने का, 8,70,000। अंदर क्यों लिखा, माइनस करेंगे ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, वही जो आपने 11वीं में सीखा या 12वीं में सीखा, माइनस हो जाता है इसमें से, तो माइनस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं। फिर क्या हमारा गुडविल, गुडविल किसका पार्ट है, इनटेंजिबल एसेट्स। अगर इस पर कोई एडजस्टमेंट है तो ठीक है, वैसे कभी इस पर बहुत रेयर एडजस्टमेंट होता है, तो मैंने देखा नीचे तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं इस पर, अकेला गुडविल है तो डायरेक्ट लिखो भाई अकेला है, जो अकेले को सीधा बैलेंस शीट में ले जाओ। कितने रुपए का है, 2,50,000। समझे, अगला क्या है, तो भाई ये भी ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला। यहां पे नोट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आ नहीं रहा मेरा तो मैंने कैश एंड कैश कर दिया, इक्विवेलेंट आप लगाओगे। सबसे पहले कैश बताइए कितने का है, 83,850। इसमें ना एडजस्टमेंट जनरली बहुत रेयर होता है, होता ही नहीं मान के चलो, बस कैश और बैंक दो चीजें होता है, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे लिख दिया। अगला क्या है बताओ, बैंक है, तो बैंक लिखा, अमाउंट 3,46,400। चलिए 406, ये क्या डिजिट आ गया, चलो कोई नहीं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। परचेज, परचेज के अंदर क्या क्या होता है, परचेज रिटर्न माइनस होता है, कई बार कैरिज को ऐड किया भी जाता है, नहीं भी किया जाता, हम कभी भी नहीं करेंगे, हम सीधा लेके जाएंगे अदर एक्सपेंस में। तो परचेज में से एक चीज माइनस होता है, परचेज रिटर्न। फटाफट नजर मारते हैं, अगर परचेज रिटर्न है तो नोट बनाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे पी एंड एल में, नहीं है तो आ जाते हैं डायरेक्ट पी एंड एल में। बताइए परचेज, 18,00,000 क्या हुआ बताइए, तो 18,50,000। तो समझ में आ रहा है किस पॉइंट को कैसे टेकल करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसके अंदर नोट्स ज्यादा बन रहा है, तो आपको उसी इंटेलिजेंसी के हिसाब से लेके चलना है कि फटाफट कहां सबसे कम टाइम। एग्जामिनर ये नहीं बोलता कि भाई तुम्हें इसका नोट बनाना है, लॉजिक यही कहता है जिसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है ही नहीं उसका नोट बना के फायदा नहीं है, बना दोगे तो एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका टाइम चला जाएगा, नहीं बनाओगे तब भी एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम बच जाएगा आपका, बस ये फर्क रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अदर करंट एसेट्स का पार्ट हुआ करता था, अब नहीं है, तो मैं इसके लिए अलग से स्टार बना दो, इसको सबसे लास्ट में टिकल करूंगा, मैं समझाऊंगा पहले,
और फिर करूंगा। हालांकि अभी क्वेश्चन के हिसाब से अदर करंट एसेट्स में लिख के कुछ मैं करने वाला हूं, तो इसलिए इसे हटा देते हैं और मैं यहां पे जहां टेंजिबल है ना यहां पे सी पार्ट कर देता हूं, अदर करंट एसेट्स। याद होगा ना अदर करंट एसेट्स आता था यहीं पे, भूल गए? लिखा है ना आप सबके रजिस्टर है, तो यहीं पे आता था। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही। हाँ एक मिनट रुक जाओ, वॉइस सर विजुअल नहीं हो रहा, विजुअल नहीं हो रहा, आप क्या करें क्या करें। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, विजुअल नहीं हो रहा ना, मैं पूरा नहीं विजुअल करता, जो जो लिखूंगा वो एटलीस्ट मैं विजुअल करवाता जाता हूँ जो बच्चे लाइव में, और जब मुझे पूरा दिखाना होगा तो पूरा दिखा दूंगा। चलिए मैं वही फोकस करूंगा और जूम इन जूम आउट करता रहूंगा, अब तो प्रॉपर विजुअल होगा। ठीक है, तो मैं ये कोशिश नहीं कर रहा कि पूरा दिखाऊं, जब मुझे बैलेंस शीट दिखाना होगा तो मैं दिखा दूंगा, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं इसमें जूम इन जूम आउट में, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए अगला पॉइंट क्या है, जर्नल एक्सपेंस किसका पार्ट है, जर्नल एक्सपेंस अदर एक्सपेंस का। तो सबसे पहले इधर एक अदर एक्सपेंस का हमेशा 7 से 8 लाइन लेना, बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। अदर एक्सपेंस सिर्फ क्या लिखेंगे, नोट, और यहां क्या लिखा, अदर एक्सपेंस। ठीक है, अमाउंट सर अदर एक्सपेंस में क्या है, जर्नल एक्सपेंस कितने का, 1,68,350 358,350। ठीक है, फ्रेट एंड कैरेज यही लिखेंगे, हालांकि फ्रेट एंड कैरेज परचेज का भी पार्ट हो सकता है लेकिन हम यही लिखेंगे फ्रेट। कितने का, 1,31,150। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं, सैलरी किसका पार्ट है बताइए, एम्प्लॉय बेनिफिट का। सैलरी किसका था, एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट ये बना रखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट में लिखते हैं क्या आएगा, सैलरी 145 सैलरी लिखा और 1,45। ठीक है, मैं विजुअल करवाता जाऊंगा हर किसी को, कुछ बच्चे कह रहे हैं पुराने पहले जैसे दिखा रहे थे वही ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं थोड़ा सा, मैं पूरा टेंटेटिव मिल रहा है ना, बैलेंस शीट का इतना हिस्सा कट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो पता ही क्या लिखा हुआ है, ये वाला तो पूरा विजुअल करवा रहा हूं आपको। डायरेक्टर फीस, सर डायरेक्टर फीस क्या होता है, डायरेक्टर पता है जो कंपनी को चलाते हैं तो वो डायरेक्टर की एक मीटिंग होती है, तो जब कभी भी डायरेक्टर की मीटिंग होती है ना तो वो कब जाते हैं, ऑफिस आवर के बाद जाते हैं उस मीटिंग में, जब ऑफिस आवर के बाद जाते हैं तो बोलते हैं ओवर टाइम, तो उनको ओवर टाइम नहीं दिया जाता, अगर हम डायरेक्टर को ओवर टाइम देंगे तो लगेगा मजदूर है ये, तो जब मीटिंग में जाते हैं ना तो उनको हम फी देते हैं, हर मीटिंग में बैठने का सिटिंग फी होता है, कुछ भी हो सकता है 5,000-10,000 एक मीटिंग का। साल में कितने मीटिंग होते हैं डायरेक्टर के, कोई गिनती नहीं, हर कंपनी का डिपेंड करता है, हो सकता है डेली मीटिंग बुला ले अगर ज़्यादा इमरजेंसी है, हो सकता है साल में एक ही बार बुलाए मीटिंग, तो उस डायरेक्टर को दिया जाता है। तो हालांकि डायरेक्टर फीस डायरेक्टर का पार्ट होता है, तो इसके अंदर एक थोड़ा सा हमें कहां लेके चलना है डायरेक्टर फीस को, हम सैलरी का पार्ट नहीं मान रहे डायरेक्टर फीस को, क्योंकि देखो एग्जामिनर होता है आपका पेपर चेक करता है उसके पैसे मिलते हैं उसे, और जो एग्जामिनर आप स्कूल की बात याद करो और स्कूल में पढ़ाता है उसका क्या मिलता है, सैलरी, तो उसके जो पेपर फी चेक होता है ना, जो पेपर चेक करता है वो सैलरी का हिस्सा नहीं होता, सैलरी का हिस्सा कौन सा होता है, जो मिलता है। सेम डायरेक्टर को जो सैलरी मिल रहा होगा डायरेक्टर सैलरी, तो वो तो चला जाएगा इधर, लेकिन डायरेक्टरी फी कहां ले जाऊंगा मैं, अदर एक्सपेंस में। ठीक है ना, अब मैं ये सारी बातें पता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो YouTube पे भी हैं, चाहे जो बच्चे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, अलग अलग बुक फॉलो करते हैं, तो अलग अलग बुक के अंदर ना अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, तो अगर डायरेक्टर फीस यहाँ है तो उनका अजम्पशन ये है कि हम इसे क्या मान रहे हैं, सैलरी का हिस्सा, और यहाँ दोनों जगह ठीक है भाई, ठीक है ना, इसलिए मैं दोनों बातें बोल के चल रहा हूँ। कितना डायरेक्टर फी, 57,250। ठीक है, आगे चलते हैं, बैड डेट्स भी अदर एक्सपेंस का ही पार्ट है, बैड डेट्स कितने, इसको अंदर लिख ले क्या, नहीं बाहर ही लिखते हैं, 21,100। अब ध्यान रखिए
जो आपको दे रखा है ना ये इंफॉर्मेशन, ये है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी जानकारी होती है उसकी हम एक ही एंट्री करते हैं हमेशा, ये दिमाग में हमेशा रखना है, उसकी डबल एंट्री नहीं होती। डबल एंट्री किसकी होगी? हमेशा एडजस्टमेंट की होगी। तो बैड डेट्स है, हालांकि बैड डेट्स सर डेटर से भी माइनस होता है, लेकिन अदर एक्सपेंस में क्यों लिख रहे हो भाई? डेटर में तब माइनस होता है जब कहां होता है? एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल में है तो खर्चे में ही जाएगा और कहीं नहीं जाने वाला। समझ गए बात? चलिए आगे आगे बढ़ते जाते हैं। क्या कहता है ये सर? डिबेंचर इंटरेस्ट, ये तो अलग हेडिंग लग रहा है मुझे, किसका पार्ट है? और इंटरेस्ट एक दो और मिल जाए तो फिर हम, अगर इंटरेस्ट इसके आगे है ही नहीं तो मैं तो डायरेक्ट फाइनेंस कॉस्ट में लिख के खत्म करूं झंझट। लेकिन नीचे ना एडजस्टमेंट है, नीचे क्या है? एडजस्टमेंट है। दैट्स वाई मैं इसके लिए क्या बनाने जा रहा हूं? नोट। तो चलिए डायरेक्टर के लिए इधर नोट बना लेते हैं। और ये डायरेक्टर कह रहा हूं, सॉरी, जो इंटरेस्ट था, इस इंटरेस्ट के लिए नोट कौन सा बनेगा? सिर्फ मैं नोट तो लिख रहा हूं, नंबर तो बाद की बात है। कौन सा बनेगा? फाइनेंस कॉस्ट। और इसमें आ गया इंटरेस्ट, कितने रुपए दे रखे हैं? 90,000 अंदर लिख रहे हैं क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। जब एडजस्टमेंट आएगा तब निपट लेंगे इसे, ठीक है? आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। सब्सक्राइब एंड फुल्ली, सब्सक्राइब एंड फुल्ली कॉल्ड अप कितने हैं? तो 40 लाख। तो यहां पे आ जाएगा हमारा, मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा, 40 लाख, ठीक है ना? ये आ गया हमारा 40 लाख। चलिए मैंने दिखा दिया आपको, वैसे 40 लाख विजुअल है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। 6% डिबेंचर किसका पार्ट है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सर क्या और भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है? चेक करते गए कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट लिखते हैं ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, बस 6% डिबेंचर है, दिखाने की जरूरत क्या है? आप यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, अच्छा ऊपर है, यहां ब्रैकेट में ऐसे डाल सकते हो 6% डिबेंचर, चलेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे सीधा लिख दिया तो दिक्कत है, क्योंकि पता चलना चाहिए क्या है। कैश के आगे अगर हमने सीधा लिखा तो समझने की जरूरत नहीं है कि कैश है क्या है, समझ रहे हो ना बात? अगर मैंने यहां इंटेंजिबल एसेट्स के आगे लिखा है तो अंडरस्टैंडिंग है गुडविल, नहीं तो और ज्यादा समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख दो गुडविल, बात खत्म। तो इसलिए मैंने यहां लिखा 6% डिबेंचर कितने रुपए? 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, ठीक है। अब इसके बाद आ गया प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस। मैंने क्या कहा था? दो प्रॉफिट होता है, पुराना और नया, तो निकालेंगे ना यहां से, नया तो यहां से निकालेंगे ना, और जो ट्रायल में होगा वो कौन सा होगा? पुराना। तो आप समझ में आ रहा होगा ओल्ड प्रॉफिट कौन सी बात कर रहा था मैं, बताइए कितना है ओल्ड प्रॉफिट? 1,45,000। इसके ऊपर छोटे छोटे एडजस्टमेंट है, बस समझ लेंगे इसको, ठीक है। और बढ़ते गए क्या है? बिल्स पेबल भी है सर और क्रेडिटर भी है, तो इसके लिए तो नोट बनता है, दो चीजें है ना। और इसके लिए कौन सा नोट बनता है? ये लिखा नोट और लिखा अमाउंट और ट्रेड पेबल टीपी। क्रेडिटर बताइए कितने का? 1,00,000, 5,23,700, ये तो ज्यादा हो गया अमाउंट, 5,23,756। और बीपी 3,80,000। चलिए सेल्स के ऊपर सेल्स रिटर्न एडजस्टमेंट होता है, बस अगर नहीं है तो डायरेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाइए, 41 लाख। तो 41.5L लिख देता हूं, शायद ये वाला विजुअल नहीं होगा, मैंने लिख दिया है वो चीज, थोड़ा सा मेहनत करके मैं दिखा देता हूं, ये मैंने लिख दिया 41.5, ठीक है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कोई दिक्कत? चलिए जर्नल रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तो जर्नल रिजर्व यही आ जाएगा आपका GR, कितने रुपए? 2,50,000 रुपए। बैड डेट रिजर्व होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब बैड डेट्स रिजर्व की कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब जब कभी भी ट्रायल बैलेंस में होगा ना, यहां तो हालांकि डेबिट क्रेडिट नहीं दे रखा है, वैसे ब्रैकेट में क्रेडिट लिखना चाहिए, लिखा है नहीं लिखा पता नहीं लिखा। तो जब कभी भी बैड डेट्स रिजर्व होता है ना, वो हमेशा, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बैड डेट्स रिजर्व जो होता है ये ओल्ड होता है कहां पे? गिवन ट्रायल बैलेंस में। और ये होता है हमारा प्रॉफिट। सर ये ट्रायल बैलेंस में क्यों होता है? मान लेते हैं मेरे पास डेटर 1,00,000 का है, ठीक है,
एक लाख में से मुझे अंदाजा है कि 10% डूब जाएगा, तो 10% कितना बनाएंगे यहाँ पे? ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, लॉकडाउन में, लॉकडाउन लगने से पहले मुझे अंदाजा था कि 10% डूबेगा, और 10% कितना होता है? 10,000 मैंने माइनस कर दिया और मैंने 90,000 रुपये का डेटर मान लिया, सपोज करिए ऐसा ही हुआ। अब हुआ यूं कि डूबे 5,000, तो 2021 में जब जाएंगे तो हमारा सीए बोलेगा पिछले साल का प्रॉफिट गलत है भाई तुम्हारा। क्या बोलेगा? पिछले साल कैसे भाई पिछले साल का प्रॉफिट गलत है, आप बोल रहे थे 10,000 डूबेगा, डूबेगा तो डूबा कितना? क्योंकि एक्चुअल कितना डूबा है पता चलता है बैलेंस शीट बनने के, और बैलेंस शीट 30 सितंबर तक परमिशन होता है कंपनी को बनाने का। हम बैलेंस शीट तो बना चुके हैं, तो अब 2021 में बोलोगे यार पिछले साल का प्रॉफिट क्या हुआ? आपको अगर दिख रहा है 90,000, आपने P&L में कितना डाला होगा? अपना P&L में आपने बोला प्रोविजन फॉर डेटर कितना है 10,000, P&L में कितना डाला होगा फटाफट कमेंट में बताइए, जो 2020 का P&L है उसमें कितने रुपए आपने खर्चा दिखाया होगा? कोविड के टाइम का है 10 दिखा दिया। अब 21 में क्या पता चला कितने डूबे? 21 में आपको पता चल गया ये बात कि 5 डूबे थे, कब? पिछले साल। तो बताइए सभी मुझे जवाब दीजिए, पिछले साल का जो प्रॉफिट निकला होगा वो एक्चुअल मायने में सही था या गलत था? बताइए फटाफट, पिछले साल का प्रॉफिट गलत था या सही था? गलत था। पिछले साल का प्रॉफिट कमेंट में बताइए क्या था? गलत था। सर अगर पिछले साल का प्रॉफिट गलत था तो अब रेक्टिफाई करें या ना करें या चलने दे? करेंगे ना। तो इस साल 5,000 रुपए जो आपने पिछले साल बच गए थे, कैसे बच गए थे? 10 था, 5 ही बैड डेट्स हुआ तो कितने बच गए? 5। चलो मैं अमाउंट चेंज कर देता हूं, 10 था और डूबे कितने एक्चुअल? 8, तो कितने बच गए? तो पिछले साल 2,000 से हमारा कम प्रॉफिट हो गया था, अब इस साल 2,000 का प्रॉफिट बढ़ा दो तो सही हो जाएगा। यानी दो साल के प्रॉफिट को अगर हम सेटअप कर दें, एक साल में हमने 10 दिखा रखा, ओहो 2,000 रुपए ज्यादा खर्चा दिखाया, इस साल 2,000 की इनकम मानो, तो दोनों साल के हिसाब से अब क्या हो गया? सही हो गया। इसे रेक्टिफिकेशन बोलेंगे। इसलिए जब कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिखे तो इसका मतलब ये पिछले साल का इतना नहीं डूबा है, यानी ये इनकम है एक तरीके से। तो इसके दो ट्रीटमेंट बनते हैं, सर इनकम है तो इसे डायरेक्ट दिखाओ कहां? अदर इनकम में। कहां दिखाओ? अदर इनकम का पार्ट हो गया। नहीं तो अब हम इसको क्या करेंगे जी? आपके 2021 में 2,000 रुपए का इनकम है, सही या गलत बताइए? 2021 में क्योंकि पहले कितना डूबा था एक्चुअल? 8, आप कितना मान रहे थे? तो 2021 में मुझे ठीक करने के लिए मुझे क्या मानना पड़ेगा? 2,000 का इनकम मानना पड़ेगा। इस साल भी अंदाजा लगाओ। इस साल अंदाजा लगाया हमने कि हमारे डूब सकते हैं कितने? 7,000। तो सर इस साल आपने अंदाजा लगाया 7,000 डूब सकते हैं, मतलब क्या है कि 5,000 रुपए और मान लो तो हमारा एक्चुअल खर्चा कितना जाएगा? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बचेगा? 5,000। लेकिन इस साल आपका अंदाजा है, इस साल तो 1,000 डूबेगा, तो इसका मतलब आपका यह क्या आ जाएगा? माइनस में 1,000। यानी सिंपल सी बात है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में आपको हमेशा कॉन्सेप्ट क्या लेके चलना है? ओल्ड, और ये अदर एक्सपेंस का पार्ट है। कैसे लेंगे? पहले ओल्ड वाला लिखोगे, ओल्ड PFD, रिजर्व फॉर डेटर बोल लो कुछ भी। जैसे हमारे वाले एग्जांपल में बता दो कितना है, हमारे वाले क्वेश्चन में बता दो कितने हैं? 35,000 इधर लिखा ओल्ड वाला, और जो नए वाला होगा इससे क्या करेंगे? ये माइनस में है, ये खर्चा लिख रहे हो ना, ये खर्चा, और ये खर्चा थोड़ी है, ये क्या है? तो ये किसमें है हमारा? माइनस में। नए वाला क्या कर देंगे? इसमें प्लस कर देंगे। हो सकता है आंसर पॉजिटिव आ जाए, मान लेते हैं नए वाला मैं सोच रहा हूं कि 40 होगा तो 5,000 आ जाएगा इधर निकल के। हो सकता है मैं सोच रहा हूं नए वाला होगा 45 या तो 10 आ जाएगा। मैं हो सकता है होगा नए वाला 20, 15 माइनस में लिख देंगे, समझ गए? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल का डिजिट जो है वो कभी माइनस भी हो सकता है, कभी प्लस। सर इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका आप कई बार बुक में फॉलो करते हैं, क्या करते हैं ये इनकम मान लेते हैं अदर इनकम में, और यहां पे नए वाला PFD के नाम से इधर लिख देते हैं और छुट्टी, माइनस प्लस का कोई टेंशन नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन तो वैसे करूंगा जैसे बुक वाले फॉलो करते हैं, एक क्वेश्चन मैं दूसरा वाला भी कर दूंगा जब करूंगा तो, ठीक है? बस खत्म एडजस्टमेंट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट फॉर द मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। कहता है आगे,
डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, प्लांट एंड मशीनरी 10%। तो सर प्लांट एंड मशीनरी कहाँ है हमारा, प्लांट एंड मशीनरी यही है 10%, तो माइनस डेप्रिशिएशन 10%, डबल एंट्री साथ के साथ 10% का मतलब 3.3 लाख, हाँ या ना। अब डेप्रिशिएशन पीएनएल में भी जाएगा, तो सर पीएनएल में कहाँ जाएगा बताओ, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। कहाँ जाएगा सर, एक बना रखा है ना हमने ई नोट, अगर दो तीन एसेट्स पे डेप्रिशिएशन है तो हम नोट बना लेंगे, अगर दो तीन एसेट्स पे नहीं है तो हम यहीं पे लिख देंगे डायरेक्ट। चेक करते हैं किसी और पे भी डेप्रिशिएशन है क्या, नहीं है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हालांकि मैं इसके लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, नोट बना देता हूँ, मैं इसके लिए यहाँ पे नोट बना देता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा हमारे पास बच गया, ताकि क्लियर भी हो जाए। नोट नंबर कुछ नहीं लिखा, और यहां लिखा हमने डेप्रिशिएशन, और यहां आ गया डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आ गया 3,30,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, समझ में है। आगे बढ़ते हैं, कहता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना है 5,000, इसको हम बाद में लेंगे जैसे मैंने पहले भी बोला था। उससे और आगे बढ़ते हैं, और उससे आगे जैसे ही हमने बढ़े, और क्या कहता है इसके अंदर, उससे आगे बढ़ने पे हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट इज ड्यू, हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट इज ड्यू। इसका मतलब क्या हुआ सर, हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट इज ड्यू, इसका मतलब हमारा डिबेंचर जो है, आप देख पा रहे होंगे हमारा डिबेंचर 6% के हिसाब से 30 लाख है, इसका मतलब 6% के हिसाब से 30 लाख, तो सिंपल सी बात है 30 लाख पे हमें 6/100 पूरे साल का होता है। एग्जामिनर कहता है आधे साल का ड्यू है, तो मतलब 1/6/12, तो इसका मतलब 90,000 रुपये जो निकल के आया इसका पेमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है। और हमेशा याद रखना जो ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट दे रखा था हमें, कौन से वाला, ये वाला इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो इंटरेस्ट कौन सा था, देखिए आप मैं सामने दिखा भी देता हूँ, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट था हमारा वो इंटरेस्ट कौन सा था जो सामने आपको दिख रहा है, ये वो इंटरेस्ट है जो पेमेंट हो गया, तो कितना पेमेंट नहीं हुआ यहाँ पे जोड़ दें, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने रुपये का, समझ पा रहे हो। और ये दूसरी डबल एंट्री कहां जाता है, लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में किस में, अदर करंट लाइबिलिटी। क्या अदर करंट लाइबिलिटी के लिए कुछ और है हमारे पास, चेक कर लेते हैं कुछ है क्या, नहीं है, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, अदर करंट लाइबिलिटी के आगे डायरेक्ट लिख सकते हैं, और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे इंटरेस्ट, बात खत्म, कितने रुपए। डबल एंट्री भी चेक करते जाइएगा, किसी को डाउट है पहले एडजस्टमेंट में, किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। आगे वाला दूसरा पॉइंट तो मैंने छुड़वा दिया, अभी मैं करूंगा डिस्कस, और दूसरे एडजस्टमेंट में यानी डिबेंचर पे किसी को डाउट है तो आप फटाफट बताइए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ये नहीं कि एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद डाउट बताएं, फटाफट बताइए किसी को डाउट है। अक्षय ने 95,000, भाई 95,000 कैसे आया देख लेते हैं एक बार, मेरे हिसाब से तो 90 आना चाहिए, भाई आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, 90 ही आएगा। किसी को डाउट बताइए, जो बच्चे लाइव हैं उसको डाउट है जो मैंने एडजस्टमेंट अभी तक किया है, कोई डाउट नहीं है भाई, जब मैं डाउट पूछा करूं ना तो हर बच्चे से पूछता हूं, कोई डाउट नहीं है, तो हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे कि डाउट है या नहीं, यस और नो बोलने में कोई इंटरनेट ज्यादा खत्म नहीं होगा आपका, वही रहेगा जितना चल रहा है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है, डाउटफुल डेट्स जो है हमारा, अगला पॉइंट क्या कहता है कि ली बैड डेट्स डाउटफुल डेट्स हमारा 5% बनाना है उन सन्ड्री डेटर पे। सर डेटर पे 5% बनाना है तो डेटर तो अलग से, इसके ऊपर लेस क्या कर देंगे हम 5%, और ये है पीएफडी नए वाला, पीएफडी कौन से वाला, अंदाजा है 5%, इसका मतलब आपका अंदाजा 5% 8,70,000 पे, अगर हम 5% निकाले 8,70 पे 5% तो 43,000, तो सर 43,500 का बेड डेट्स है, और यहां पे क्या करेंगे प्लस कर देंगे न्यू बेड डेट्स कितने 43,500 जो भी आएगा निकल के ये प्लस होगा, तो 43,500 35,000 8,8,500 रुपये हमारा आ गया प्लस में, क्योंकि हमारा पिछले साल का खर्चा हमने ज़्यादा दिखा रखा था 35,000, इस साल का खर्चा हुआ 43,500, तो इस साल का खर्चा कम दिखा दो तो एडजस्टमेंट तो लग ही जाएगा ना, दिमाग लगाओ,
पिछले साल खर्चा दिखा के प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो इस बार हम खर्चा कम दिखा के प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा 8500 का आ गया। समझ में आई बात आपको? कौन से रिजर्व में? बैड डेट्स रिजर्व का रिजर्व वर्ड से हमें नहीं चलना, बैड डेट्स रिजर्व खर्चा होता है। इसको देखो कितने नाम से जानते हैं, मैं बता देता हूँ, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, चार्ज ऑन बैड डेट्स, ये अलग अलग नाम है। तो ये रिजर्व का पार्ट होता ही नहीं है, ये एक्चुअल हमारा एक एस्टिमेशन का पार्ट होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 9 लाख। सर क्लोजिंग स्टॉक 9,50,000, चेंज इन इन्वेंट्री ये आ गया ना हमारा, और 90% चांसेस है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक किसमें आएगा, माइनस। डबल एंट्री, दूसरी एंट्री कहां जाती है बताओ, दूसरी एंट्री कहां जाती है बैलेंस शीट के एसेट्स में, भूल गए? ये है ना, यहां पे कौन सा वाला जाता है, हमने मैंने लिखवाया था क्लोजिंग वाला जाता है ना यहां पे, तो यहां पे सीधा लिखो, कुछ है नहीं, अकेला ही रहता है बेचारा ये, तो इसको लिख देते हैं 9,50,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? सारा एडजस्टमेंट डन कर चुके हैं, एक रह गया हमारा कौन सा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रह गया। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है हमारा, इसके 2-3 एडजस्टमेंट हो सकते हैं आपका, देख लेता हूं न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से चल रहा है, किसके हिसाब से चल रहा है, पुराने के हिसाब से चलो कर देते हैं। मैंने क्या बताया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हर बच्चे को पता है क्या होता है जी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किए जाते थे। सर बिजनेस को स्टार्ट किए नहीं तो पहले कैसे, कंपनी बनाओगे, कंपनी बनाओगे एक्स वाई जेड लिमिटेड, सर एक्स वाई जेड लिमिटेड बनाने के लिए, इस लिमिटेड बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होगा, और वो डॉक्यूमेंट देने के बाद आपकी कंपनी बन भी सकती है और नहीं भी, डिपेंड करता है। आप चले गए, मैं अपनी कंपनी का नाम रखूंगा टाटा, डॉक्यूमेंट बनवा लिया, फोटोकॉपी करवा लिया, खर्चा हो गया, लेकिन कंपनी तो नहीं बना, खर्चा तो हो गया ना बनने से पहले, फिर आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करोगे, नहीं जी टाटा नाम तो नहीं चल सकता, और कोई नाम सुना सोचा आपने। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका जब कंपनी बनता है ना, तो उससे पहले भी MOA AOA कंपनीज लॉ में आप पढ़ोगे या आपने पढ़ लिया है, तो वो सारी चीज़ें क्या होता है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो पहले क्या था, गवर्नमेंट कहती थी कि भाई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का आपका बड़ा खर्चा होता है, क्योंकि सेटअप में आप बोर्ड लगाओगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, बड़ी सारी चीज़ें करते हो स्टार्टिंग पे, तो खर्चा ज़्यादा होता है। तो P&L में डालते ही ना आपके P&L को बुखार आ जाएगा, बुखार यानी माइनस में चला जाएगा P&L, और उससे P&L को देख के ही आपको अच्छा नहीं लगेगा उसे। तो गवर्नमेंट ने बोला आप इस ऐसा करो, इसको ना 5-7 साल के अंदर राइट ऑफ कर दिया करो। 5 साल या 7 साल में राइट ऑफ करने का क्या मतलब है, एक सेकंड, चार्जर के आप अगर 5 लाख रुपए खर्चा है ना, तो P&L में धीरे धीरे दिखाओ, 1-1 लाख रुपए करके, 1-1 लाख रुपए करके। बाद में गवर्नमेंट को रिलाइज हुआ, अब नया जो हमारा ना, देखो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे, अब वो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया जिसे बोलते हैं IND AS, तो बदलाव किया गया कुछ, उसके अंदर बोला गया सर आप एक ही बार दिखाओ सारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, क्या धीरे धीरे, अगर आप आज थोड़ा सा लॉस में हो तो आगे चल के क्या हो जाओगे, प्रॉफिट में, उसके लिए नोट डालो। तो पहले क्या था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है माइनस करो प्रॉफिट में से, क्या कर दो, माइनस कर दो। लेकिन पुराने टाइम पे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, जितना हिस्सा आपका राइट ऑफ होना है उसी को आप खर्चे में दिखाइए, बाकी को आप एसेट्स मान लीजिए, क्योंकि उसे अगले साल राइट ऑफ करेंगे, काइंड ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस मान लीजिए आप, समझ रहे हो बात। तो इस क्वेश्चन में हम पुराने तरीके से ही लेके चलेंगे, हमें अभी नए तरीके से नहीं जाना, क्योंकि इंड AS तो एप्लीकेबल आपके ऊपर अभी नहीं है, अभी AS के हिसाब से ही चल रहा है हमारा। क्योंकि तो बोला गया जी हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो था ना वो कितने रुपए था, स्टार्टिंग में मैंने स्टार लगवाया था आपको 50,000 का था, लेकिन इसमें से राइट ऑफ का मतलब सिर्फ P&L में इतना माने, P&L में कितना मानना है, इसका मतलब अभी 45,000 जो है इसको राइट ऑफ करने के मूड में नहीं है, तो ये कहां जाएगा, अदर करंट, मैंने कहां लिखा था, सही जगह तो लिखा था अदर करंट एसेट्स, अरे अदर नॉन करंट एसेट्स, मैं एन लगाना भूल गया, नॉन करंट एसेट्स होगा, ठीक है, क्योंकि लंबे समय के लिए ना 5 साल, और 5 साल तो करंट हो नहीं सकता भाई, तो इसलिए कहां आ गया ये अदर में। यहां कितने रुपए दिखाएंगे, 45,000। तो हम एक काम करते हैं ना, इसके लिए नोट बना ले क्या, बिल्कुल बना लेते हैं, बहुत जगह है आज तो हमारे पास,
तो नोट बना लेते हैं सो दैट हम अच्छे से दिखा पाएं। माइनस प्लस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 50,000 माइनस राइट ऑफ 5,000 बचे कितने 45,000। 5,000 रुपए वाला हिस्सा तो आ जाएगा हमारे अदर एक्सपेंस में। पी एंड एल का पार्ट कितने 5,000, बाकी 45,000 रुपए कहां पहुंच जाता है हमारा, तो क्योंकि नोट बनाए तो नोट वाली किसी चीज को आप ऑब्जर्व करोगे, मैं लेके ही नहीं गया बैलेंस शीट में, क्योंकि पहले नोट को हम सॉल्व करेंगे उसके बाद लेके जाएंगे। अब कोई एडजस्टमेंट बचा क्या? नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा ना। अब आपको क्या करना है, ईमानदारी से इनको टोटल करना है। आपका यहां क्या आ जाएगा छोड़ो उसे, हमें इसका टोटलिंग करना है। एक एडजस्टमेंट बताए टैक्स, टैक्स तब तक नहीं निकल सकता जब तक सारे इंफॉर्मेशन यहां पुट ना हो जाए, समझ रहे बात को। तो हम क्या करेंगे, हम ईमानदारी से हर किसी का टोटल करेंगे। तो इसका टोटल करा तो ये आ गया हमारा 40,00,000 में से 75,000 माइनस करो तो 39,25। और आपको पता है आपका जो ये वाला टोटल होता है ना ऑथराइज कैपिटल, दिख रहा है आप सभी को, ऑथराइज कैपिटल कहीं नहीं जाता, ये 60,00,000 ऐसे हो जाएगा। टोटल करते हैं, ठीक है, सिर्फ टोटल टोटल कर रहे हैं, नोटिंग नोट नंबर बाद में देंगे, सिर्फ टोटल। इसके बाद चलो इसको टोटल करो, ये 30,00,000 एज इट इज आ गया। इसका टोटल करो, माइनस करो 330। जल्दी जल्दी, कैलकुलेटर होना चाहिए आप सभी के पास। 29,70, इसके बाद 72, यहां टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसका भी टोटल कर देते हैं, टोटल कितना आएगा 848,650। भाई गलत मत करना, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा नहीं तो। ये कितना आ गया 629,650। चलिए इसका भी टोटल करते हैं, 750 में से कितना माइनस करना है, ये 200,000 आ जाएगा माइनस का आ गया। नोट वोट नहीं लिख रहा मैं अभी, इसको भी माइनस करते हैं 870 माइनस में 5%, ये आ गया हमारा 826,500। चलिए इसको भी कर लेते हैं टोटल, 83,850 34,64,06 पता नहीं बाई मिस्टेक है, ये आगे पता चलेगा, ये 30,256, ठीक है। अब इसका भी टोटल कर ले, 168,350 131,150 57,250 211 और 8,500 और 5,000, जी ये आ गया 391,350। चलिए इसका भी टोटल कर ले, 180, इसका भी टोटल कर लेते हैं, 523,756 प्लस 380, ये आ गया 90, इधर लिख सकता हूं मैं 3756, ठीक है। इस अकेले को भी टोटल करिए, ये पहले से ही टोटल हो चुका है, ठीक है। कुछ रहा टोटल का, इधर रह गया, ये टोटल कर भी मत देना, सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि इसमें मेन एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि इसमें भी प्रॉफिट जोड़ोगे ना, बिना प्रॉफिट जोड़े टोटल कर नहीं सकते, और प्रॉफिट निकलेगा यहां से, ठीक है। तो बस सबको टोटल करना है, सिर्फ नोट नंबर 2 को। अब फटाफट नोट नंबर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा फटाफट, किसके लिए नोट बनाया, इसके लिए नोट बनाया है नंबर 1, क्या रह गया पीपी, हाँ टोटल रह गया, चलो टोटल कर देते हैं, 30,00,000 प्लस 29,70,000 प्लस 72,000 60,42,000 ठीक है, कर दिया। चलो अब नोट नंबर, क्या हमने शेयर कैपिटल के लिए नोट बनाया, बिल्कुल हाँ, कि क्या नंबर देंगे 1, ये रहा मेरा, इसको नंबर क्या दे दिया 1। क्या रिजर्व एंड सरप्लस के लिए बनाया, इसको क्या मिलना चाहिए 2, तो आप रिजर्व एंड सरप्लस किधर है भाई, किधर है, ये रहा, इसको नोट नंबर क्या दे दिया 2। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए कोई नोट नहीं है, कोई नोट नहीं जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए कुछ भी नहीं है, ट्रेड पेबल के लिए नोट जो भी होगा 3 देंगे, ढूंढो ट्रेड पेबल कहाँ है, ये रहा, इसके आगे क्या लिखेंगे 3, बनता जा रहा है हमारा नोट। इसके बाद आ जाते हैं अदर करंट लाइबिलिटी, कोई नोट नहीं बनाया, बनाया है अदर करंट लाइबिलिटी के लिए, बनाया कोई नोट, फाइनेंस कॉस्ट का बनाया, अदर करंट लाइबिलिटी का नहीं है, कोई नोट नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कोई नोट नहीं है, लेकिन इसका लास्ट में लिखते हैं, तो इसके लिए नोट नंबर 1 ओपन छोड़ेंगे, जो कि बाद में बनाएंगे, हम बनाना चाहते हैं तो नोट नंबर 4 लिख देते हैं, बना देंगे बाद में, इसका बाद में मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें पीपी, पीपी का नोट नंबर क्या पढ़ना चाहिए 5, 5 नंबर ढूंढो कहाँ है पीपी, ये रहा, इसके आगे स्पेस छोड़ा था 5। इसके बाद आगे चलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, कोई नोट नहीं बनाया छोड़ दो,
अदर करंट नॉन करंट एसेट्स बनाया था हमने नोट, कहाँ है ये रहा, कितने नंबर डाले इसको, छः नंबर, ये आ गया छः, क्या है अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है ना, समझ जाओ आप इसको क्या लिखा है। करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट का कोई नोट नहीं है, इन्वेंट्री का है या नहीं है, है, सात, ढूंढते कहाँ इन्वेंट्री, कहाँ इन्वेंट्री, कहाँ है ये रहा, नोट नंबर सात, समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा जूम कर दूँ, जी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये इन्वेंट कहाँ है, सात नंबर पे मैंने लिखा है इन्वेंट्री, हाँ तो ओके 750 ये कह रहे हो, ठीक है ऊपर नीचे हो गया, वैसे तो इसे लिखना ही नहीं चाहिए था, फिर भी लिख दिया कोई बात नहीं, गलती से आप भी लिख दो तो ब्लैंक छोड़ सकते हो, ये थोड़ा सा इसका पेट बाहर आ गया, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब एक आगे चलते हैं, क्या है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल, सर बताओ ट्रेड रिसीवेबल का नोट था या नहीं था, बिल्कुल था सर, आठ, आठ नंबर ढूंढते कहाँ डाले, आठ, ये रहा आठ, तो देखो क्या मैंने एक के बाद दो बनाया, नहीं, इससे क्या हो गया हमारा काम थोड़ा सा क्या हो गया आसान और जल्दी बनेगा। इसके बाद आ जाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिल्कुल बनाया नौ नंबर, नौ नंबर ढूंढते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये रहा नौ नंबर। अब आ जाते हैं अदर करंट एसेट्स, कुछ भी नहीं है छोड़ दो, तो यहां तक देखो जो मैंने नोटिंग का सिस्टम किया, समझ में आया कैसे करना है। अब आ जाते हैं इसको देते हैं नोट, इसके लिए कोई नोट नहीं है भाई, तेरे लिए भी कोई नोट नहीं है, अदर से लिखा हुआ है, परचेज के लिए कोई नोट, इसके लिए दस, इसके लिए क्या है दस, देखना एक बार, इसके लिए क्या है हमारा दस है नोट नंबर, क्या लिखी है, एक सेकंड रुक जाओ, चलिए ट्रेड रिसीवेबल का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया नाइन। अब आगे आते हैं दस नंबर दे दिया, क्लोजिंग चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री कहां है हमारा, चेंज इन इन्वेंट्री माइनस किया तो था मैंने कहीं, ये रहा सात नंबर गलत दे दिया भाई, इसका सात नंबर कोई नोट ही नहीं है, गलती करवा दी, ये क्या होगा आठ और ये क्या होगा नहीं, इसको डलेगा सात, ट्रेड रिसीवेबल को करो सात, ये इन्वेंट्री नहीं है, ये चेंज इन इन्वेंट्री है, इसको अभी रहने देते हैं, डाल देंगे। अब आठ नंबर होगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अब ये क्या बनेगा नौ नंबर। अब आ जाते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट दस नंबर, दस, फाइनेंस कॉस्ट बनाया था मैंने ग्यारह, दस के बाद ग्यारह के बाद बारह, डेप्रिसिएशन भी बनाया था, इसके बाद अदर एक्सपेंस, समझ में आया। अब फटाफट क्या करना है, टोटल तो कर ही रखा है, सारे अमाउंट को प्लॉट करते जाना है, ये क्या आएगा 392,5000। अगले नोट नंबर टू को देखो, नोट नंबर टू किधर है, अच्छा लास्ट में होगा, ठीक बात है आपकी, तो ट्रेड पेबल बताओ क्या है 90, 37, 56, ठीक है हो गया। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन बाद में होगा, पीपीई 60, 42, पीपीई के बाद नॉन अदर करंट ये कितने था 45, देख रहे हो। इसके बाद आ जाते हैं सात नंबर नोट, ट्रेड रिसीवेबल 82, 65, 00, नोट नंबर आठ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 430, 256, 430, 256 है ना। चलो आ जाते हैं यहां पे, नोट नंबर नौ चेंज इन इन्वेंट्री 2,00,000, वो भी माइनस का, ये याद रखना। एम्प्लॉय बेनिफिट नोट नंबर 10, एम्प्लॉय बेनिफिट में कितना आ रहा है 6, 6, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 11, टोटल 1,00,000। डेप्रिसिएशन नोट आपका आ जाएगा 3,00,000। अदर एक्सपेंस का टोटल 391,350। डन, यहां तक कोई दिक्कत,
बताइए पहले यहाँ तक, नोट को पहले हमने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया है वो अच्छे से आपको समझना है। 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। अब हमारा मेन मुद्दा रह गया P&L बनाना, और P&L से प्रॉफिट को इधर डालना, और इधर से प्रॉफिट को इधर डालना, और फिर बैलेंस शीट को टोटल करना। समझ में आ रही बात आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? P&L बनाते हैं। चलिए P&L बनाएंगे तो टोटल क्या आएगा? इधर टोटल एक्सपेंस आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 5 के बाद, 5 ये 4 था टोटल। चलिए टोटल एक्सपेंस 1,18,50,000 माइनस 2,00,000 प्लस 62,96,50 प्लस 180 प्लस 330 प्लस 391,350, ये आ गया हमारा 31,81,000। सर नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस 41,50, ये मैच होना चाहिए बुक से भाई, 96,9,000। अगर माइनस नहीं हुआ मैच ये, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ा है। चेक करो अपने बुक में आंसर इसका, बिफोर टैक्स वाला, आफ्टर नहीं है ये। 6,00,000 और हमारा कितना आ रहा है? 9,00,000 बिफोर टैक्स का क्या है? हाँ जी 6,05,000 बैलेंस शीट का, इसका अदर एक्सपेंस का टोटल है 35,45, मेरा कितना 31, कुछ टोटल तो गलत नहीं किया? अब इसके पीछे आपको दो टोटल चेक करना होगा, एक इसका और एक पूरे का। परचेस गलत लिखा है, ये 10 नंबर 9, अच्छा 9,93। अब यहां आ जाएगा और ये अदर एक्सपेंस क्या आ रहा है? 2,200। ये इसी का टोटल बता रहे हो, बुक का बता रहे हो? नहीं नहीं मेरा इसका बताओ भाई, बुक में तो क्या पता अदर प्रोविजन को वहां पहुंचा दिया भाई। कैलकुलेटर लेके आना अगली क्लास में सभी बच्चे। ठीक है क्या फर्क आएगा? क्या? हाँ तो वो इधर से उधर शिफ्ट हो गया ना, मैंने बताई फ्रेट वहां ऐड हो जाएगा। माइनस 2,00,000, चिंता ना करें बिल्कुल आंसर आएगा। पैंतीस लाख 45,000 अब कितना आ गया हमारा? ये 6,05,000। समझे आप, वो टोटलिंग का एरर था, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। अब इसके ऊपर बोलता है जी 50% टैक्स लगा दो, 35 बोल रहा है, 35% क्या लगा दो? सर 35% टैक्स 6,05,000 पे कितने होते हैं? सर इस पे होते हैं 2,11,750। माइनस कर दो सर, माइनस करके आफ्टर टैक्स आएगा 393,250, ये चले जाएगा न्यू प्रॉफिट में 393,2। कोई बात दिक्कत है यहां तक तो बताइए। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स भी तो एडजस्टमेंट का पार्ट है, प्रोविजन फॉर टैक्स यहां डाल देंगे कितने? 2,11,000। इसके लिए हालांकि नोट बना रखा है हमने, तो मैं नोट नंबर 4 में लिख के डाल देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। नोट नंबर 4, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स 2,11,750। कोई दिक्कत है यहां तक? यह भी बन गया, इसका अलग टोटल कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड को डिस्कस करना रहता है, और जो भी टोटल होकर निकलेगा कहां पहुंच जाएगा? बैलेंस शीट के नोट नंबर 2 में। तो आप देखते हैं नेट प्रॉफिट माइनस 375, ये आ गया 1,850, और 1,45 प्लस में 2,50 ये आ गया
नहीं आ रहा 1850, 393, 250, 375, हाँ 18250, 18250, 145,000 प्लस 250,000, 395, इन सब को जोड़ दिया जाए 18250, 413250, नोट नंबर 2 में 413250, सर टोटल यहाँ पे होगा ये टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटी की बात करते हैं क्या आएगा 392500, 41 32 50, 30 लाख, 90 37 56, 90,000, ये आ गया 85 43, 4 कहाँ चले गया, 4 कहीं देखा था मैंने, टोटल में तो नहीं लिखा कहीं, 4 रुपये था ना कहीं, नहीं 6 नहीं था कहीं, 4 भी था, मैंने बोला था 4 मिसप्रिंट तो नहीं है, वो मैं टोटल में लेना भूल गया, अच्छा 6 था, तो अब देखिए यही आएगा फिर तो, क्या बैलेंस शीट का टोटल देखो, ये भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्या हाँ 756 है, 7 मिस हो गया मेरे कैलकुलेटर से, 756 है ये, अब 6042000, 25,000, 85 43 756, तो 85 43 756, इतना काम हमें करना है और इस काम का हमें एग्जाम में मिलेगा 15 नंबर, तो एग्जाम में तो देखो टाइम तो कंज्यूमिंग है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस एंट्री आपको इधर उधर, इसके लिए बैलेंस शीट भी आना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल सी बात है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, 17 से 18 क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस के थ्रू हो जाएगा। चलिए फटाफट एक बार नोट करिए, जिसका डाउट है वो मैं डाउट ले लेता हूँ इतने, और आप नोट करिए फिर।